क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद रे दमन दीव में हुई बैठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से कर संबोधित। मोदी मंत्र देता थका कया कि मैं जिम्मेदारी से बढ़ रहा हूं आगे। भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक रो आज औपचारिक उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेला संबोधित। भारतीय उपग्रह चंद्रयान 3 पूग्यो अहम पड़ाव माथे। प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल हुआ सफलतापूर्वक अलग। 23 अगस्त ने सफल लैंडिंग न लेर वैज्ञानिक आश्वस्त। प्रदेश भाजपा सदस्यता अभियान कर्या शुरू। हर बूथ माते सोनुआ मतदाताओं ने जोड़वा खातर अभियान कर्यो गयो है शुरू। सीमावर्ती खेतरा में टिड्डिया अंडा मिलवा सो किसान की बड़ी चिंता। जैसलमेर सो बॉर्डर कानी मोहनगढ़ कस्बा में करीब 816 हेक्टेयर भूमि में मिला अंडा। टिड्डी नियंत्रण विभाग मुस्तैद। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर में आप रोज स्वागत है सा। और अब खबर देखा हाँ विगतवार। क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद री दमन दीव में हुई बैठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री मोदी मंत्र देता थका कया कि मैं जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहा हाँ। जनता री सेवा ही मां को धर्म है। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुआ। सामूहिक जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़े और जो जिम्मेवारी मिले इसके लिए निरंतर अपनी योग्यता बढ़ाते जाए, अपना कौशल्य बढ़ाते जाए। इतना ही नहीं, हमारी ये परंपरा रही है कि जिस किसी के पास से अच्छा सीखने को मिलता है वो जरूर सीखे। मुझे पक्का विश्वास है कि पंचायत व्यवस्था से जुड़े हुए आप सभी बंधु जब 2-3 दिन साथ रहेंगे तो अनेक लोगों से अनेक विषयों की चर्चाएं होगी। अलग अलग जिले में समस्याओं के समाधान के लिए नए नए रास्ते खोजे गए होंगे। इन सारे चीजें जो सीखने को मिलती है, जो उद्बोधन के द्वारा सत्र में विषय रखते हैं उस समय जितना सीखने को मिलता है उससे ज्यादा हम जो इनफॉर्मली 2-3 दिन रहते हैं साथ में इससे सीखने को मिलता है। और मैं तो चाहूंगा कि आप सबको अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बने और आप भी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे। अपने जिले में क्या नया हो रहा है वो लोगों को बताएं, उनके जिले में क्या नया हो रहा है उसको जाने, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करें। आप देखिए बहुत लाभ होगा। और हम जानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। भारत री अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों री बैठक रो आज औपचारिक उद्घाटन हुए लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेला। सम्मेलन में करीब 19 G20 देशों का सदस्य, 10 आमंत्रित देश और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। गुजरात के गांधीनगर में चल रही 4th स्वास्थ्य वर्किंग ग्रुप और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के लिए वर्चुअल माध्यम से संदेश जारी करेंगे। कल बैठक के पहले दिन कई साइड इवेंट आयोजित किए गए। इस दौरान WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 और वन वर्ल्ड वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 नाम से साइड इवेंट का आयोजन किया गया।
भारतीय उपग्रह चंद्रयान 3 अहम पड़ाव माथे पूग गयो है। चंद्रयान 3 कामयाबी कानी एक कदम और बढ़ाता थका प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल ने अलग करबा माए सफलता हासिल करी है। इनसु पहली यह महत्वाकांक्षी उपग्रह चौथी बार आपरो ऑर्बिटल बदलियो। अब यह यान चंद्रमासु महज कुछ किलोमीटर दूरी माथे है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। डीबूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की जो रफ्तार है उसे धीमा करना। ये प्रोसेस 20 अगस्त को भी किया जाएगा और इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। इससे पहले कल चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब कई महीनों तक चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करता रहेगा, जबकि लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग भी करेगा। प्रदेश भाजपा सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। इनमें प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, अभियान संयोजक बाबा बालकनाथ समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहा। हर बूथ माथे 100 नुआ मतदाता ने जोड़वा ने ले रिया अभियान शुरू करो गयो है। भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया जाता है। सह संयोजक के रूप में बहुत ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय घनश्याम तिवारी जी, इसमें राज्यसभा के जो सांसद हैं वो सह संयोजक के रूप में वो इस समिति में रहेंगे। इस समिति में हमारे वरिष्ठ नेता राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हुए और अभी माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा इस समिति में सह संयोजक रहेंगे। प्रदेश संकल्प समिति में बहुत ही वरिष्ठ विद्वान और राजनीतिक क्षेत्र में जिनका लंबा अनुभव रहा है, ऐसे एक वरिष्ठ टोली संकल्प समिति में अपना काम देखेंगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति जमाने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में प्रदेश के संयोजक के रूप में राज्यसभा के सदस्य रहे और वरिष्ठ नेता माननीय नारायण पंचार्य जी समिति के चेयरमैन होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 4,817 करोड़ रुपया की लागत से 153 सड़कों का विकास निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कामारोक लोकार्पण और शिलान्यास करया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा गया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कया कि राज्य सरकार बरस 2030 तई राज्य ने देश रा अग्रणी प्रदेशा में शामिल करबारो संकल्प लियो है। वणा कया कि मजबूत सड़क तंत्र सु ही मिशन 2030 रो लक्ष्य हासिल करो जा सके है। वणा केंद्र सु प्रदेश रा 50 राज्य राजमार्ग ने राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रमोन्नत करबारो आग्रह करया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानीसु आज जयपुर में फोस्टर केयर योजना रा प्रभावी क्रियान्वयन माथे राज्य स्तरीय संगोष्ठी राखी गई। आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल कया के योजना रा प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता ने लेर विचार विमर्श करो गयो। संगोष्ठी में बाल कल्याण समितियां समेत जिला बाल संरक्षण इकाया रा प्रतिनिधि हिस्सों लेना। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बताया कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य बच्चा ने गोद लेवारी प्रक्रिया में माता पिता रो सहयोग करनो है। प्रत्येक विषय तक पहुंचकर जागरूकता लाएं, तब हमने ऐसा महसूस किया कि कई अभिभावकगण हमारे पास आ रहे हैं जिनके परिवार में कोई संतान नहीं है और वो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, पर अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है कारा के तहत बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। यदि आज कोई अभिभावक प्लान करता है तो उसको 2 से 3 वर्ष उस बच्चे की सुपुर्दगी के लिए मिलते हैं, तो उसको देखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा फॉस्टर केयर जो शुरू किया गया, परंतु इसकी जागरूकता प्रदेश भर में नहीं थी। परंतु हमने ऐसा महसूस किया कि उदयपुर में कुछ संस्थाएं फॉस्टर केयर पे बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में मौजूद रही, जब वहाँ देखा कि अभिभावकों द्वारा बच्चों की सुपुर्दगी के बाद जो उनके चेहरे पे खुशी देखी
और कुछ समय बाद मुझे कई बाल कल्याण समितियों द्वारा ये कहा गया कि मैडम हमें भी अपने जिलों में करना है, पर इसकी जानकारी अधूरी है। उसको देखते हुए बाल आयोग ने आज यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यशाला रखी है, जिसमें सभी बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों को निमंत्रण दिया गया है, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को किया है। राजस्थान राज सीमावर्ती क्षेत्र में टिड्डियारा अंडा मिलबासु किसानारी चिंता बढ़ गई है। ये अंडा जैसलमेर सु बॉर्डर कानी मोहनगढ़ कस्बा माए करीब 816 हेक्टेयर भूमि माए मिला है। एडो मान्यो जा रियो है कि हवारे साथ है टिड्डियारा अंडा पाकिस्तान सु आया है। दूजी कानी टिड्डी नियंत्रण विभाग रा सहायक निदेशक वीरेंद्र कुमार रो कहना है कि टिड्डिया माथे नियंत्रण खातर कंट्रोल सेंटर बना दिया गया है और छिड़काव भी करो गयो है। मोहनगढ़ एरिया जैसलमेर का है, वहां पर 4-5 स्पॉट पे हॉपर मिले थे टिड्डी के हॉपर, जो कि हम लोगों ने कंट्रोल 10 तारीख से स्टार्ट किया 10 अगस्त से, और 3-4 दिनों में हमने कंट्रोल कर लिया है। अभी हॉपर या टिड्डी कहीं नहीं है। हमारी सर्वे टीम 4 लगाई गई है जैसलमेर के लिए, और पूरे पश्चिम राजस्थान में 10 टीम लगाई गई है सर्वे के लिए, और निरंतर सर्वे हो रहा है। कहीं भी अगर टिड्डी होगी हम नियंत्रण करेंगे, और हमारे कंट्रोल रूम भी जारी बनाए गए हैं, जिसमें हम लोग के नंबर हैं। किसान यदि हम डायरेक्ट हमसे संपर्क करना चाहे तो कर सकता है उन नंबरों पे। कुछ किसान भाई ग्रास हॉपर को देखकर टिड्डी समझ बैठ रहे हैं, उसका जो भी अंतर है ग्रास हॉपर और टिड्डी में, उसके लिए ट्विटर अकाउंट पे हम लोगों ने डाल रखा है कि क्या अंतर, एक लीफलेट डाला है, जिससे किसान भाई अंतर को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आगामी भर्ती परीक्षा ने पारदर्शिता संपन्न करावारी चुनौती रहेली। इन सु पहली रिटायर्ड आरपीएस हरिप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रिया। नवो सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन 20 अगस्त सु आयोजित होवेलो। सम्मेलन री तैयारियां ने लेड विधानसभा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा बैठक कर दिशा निर्देश दिया। बैठक में एसपी नगर निगम आयुक्त स्मार्ट सिटी सीईओ एडीएम प्रशासन समेत दूजा अधिकारी मौजूद रिया। सीपीए सम्मेलन उदयपुर में 20 सु 30 अगस्त ताई होवेलो। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट के 9th इंडिया रीजन के कॉन्फ्रेंस उदयपुर में 20 अगस्त से 23 अगस्त तक होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में सीपीए के चेयरमैन के अलावा सभी विधानसभाओं के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका परिषद कानीसू आज प्रदेश भर माए सखी सम्मेलन राख्यो जा रियो है। राज्य स्तरीय सम्मेलन जयपुर स्थित जेईसीसी सभागार माए 20,000 महिला हिस्सो लेवली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं सु संवाद करेला। इनरे अलावा जिला स्तर माथे राख्या जा रिया कार्यक्रम माए भी महिला समूह शामिल हुवेला। पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा बताया कि सखी सम्मेलन माए समूह रा उत्पादारी प्रदर्शनी भी लगाई जावेली। और खबरा माय टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद री दमन दीव माय हुई बैठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से करया संबोधित। मोदी मंत्र देता थका कया कि मैं जिम्मेदारी सु बढ़ रिया हां आगे। भारत री अध्यक्षता माय G20 स्वास्थ्य मंत्रियां री बैठक रो आज औपचारिक उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सु करेला संबोधित। भारतीय उपग्रह चंद्रयान 3 पुग्यो अहम पड़ाव माथे। प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल हुआ सफलतापूर्वक अलग। 23 अगस्त ने सफल लैंडिंग ललेर वैज्ञानिक आश्वस्त।
प्रदेश भाजपा सदस्यता अभियान करियो शुरू। हर बूथ माथे 100 नुआ मतदाताओं ने जोड़वा खातर अभियान करियो गयो है शुरू। और सीमावर्ती खेतरा में टिड्डिया अंडा मिलवा सू किसान की बड़ी चिंता। जैसलमेर सू बॉर्डर कानी मोहनगढ़ कस्बा में करीब 816 हेक्टेयर भूमि में मिलया टिड्डिया अंडा। टिड्डी नियंत्रण विभाग मुस्तैद। इंद्र साथ ही दोपहर 1 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरा हुआ सा। नमस्कार।